विशेष में आज बात आतंक से कनेक्शन पर कटघरे में आए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी पर मचे धर्मयुद्ध की। डीएसपी देवेंद्र सिंह को लेकर मुसलमान से लेकर पाकिस्तान तक की चर्चा हो गई है। आतंकी अफजल गुरु से डीएसपी देवेंद्र सिंह के कथित संबंधों और पुलवामा में उसके रोल की जांच के नाम पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाला बयान दे रही है। लेकिन इस राजनीति को समझें उसके पहले देवेंद्र सिंह के कथित कारनामे जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ग्यारह जनवरी को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक आईटन कार सनसनाती भाग रही थी, लेकिन खुफिया अलर्ट के बाद इस कार के लिए नाका लगा रखा गया था। एनआईए में सेवाएं देकर जम्मू कश्मीर काडर में वापस लौटे डीआईजी अतुल गोयल खुद नाके पर मौजूद थे। कार रोकी गई तो एक ऐसा खुलासा हुआ कि कश्मीर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। इस कार में जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के ओहदे पर तैनात देवेंद्र सिंह थे, साथ में थे दो आतंकी। पहला आतंकी नवीद बाबू, जो हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के बाद हिजबुल के आतंकियों में दूसरा बड़ा चेहरा है, और कार में दूसरा आतंकी था नवीद का साथी रफी अहमद। एसपी शोपियन को एक स्पेसिफिक इंट मिला था कि दो मिलिटेंट एक आईटेन व्हीकल में शोपियन से निकली है और टुवार्ड्स नेशनल हाईवे जम्मू जाना चाह रहा है। तो एसपी शोपियन ने मुझे इतला किया, इन्फॉर्म किया। मैंने डीआईजी साउथ कश्मीर को आदेश दिया कि अपने एरिया में नाका लगाए। उन्होंने नाका लगाया और गाड़ी सर्च करने के बाद देखा कि उसमें दो वांटेड मेंटेन थे, उनके साथ हमारे पुलिस के एक डीएसपी पाए गए। ये हीनियस क्राइम है, इसीलिए उसको हमने वही ट्रीट किया जो मिलिटेंट करते हैं, प्रॉपर अरेस्ट किए। 57 साल के देवेंद्र सिंह के आतंक कनेक्शन का पुख्ता अलर्ट खुद उसी के फोन कॉल से मिला था। शोपियां पुलिस ने देवेंद्र की आतंकी नवीद बाबू से हुई बातचीत रिकॉर्ड की थी, और इसी के बाद शोपियां के एसपी संदीप चौधरी ने अलर्ट किया था कि देवेंद्र अपने साथ नवीद और उसके साथी को जम्मू ले जाने वाला है। अब देवेंद्र से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि देवेंद्र को इस काम के एवज में 12 लाख रुपए मिले थे। ये खुलासा भी हो रहा है कि नवीद और उसके साथी को जम्मू से चंडीगढ़ और फिर दिल्ली लाने का प्लान था। इसके बाद आतंकी पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैक शीप्स होती हैं, ये भी एक ब्लैक शीप थी, लेकिन ये क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स को जिन्होंने इस ब्लैक शीप को पहचाना और उसको पकड़ा और उसके साथ साथ जो भी उसका षड्यंत्र चल रहा था उसको भी बेनकाब कर। देवेंद्र का दो आतंकियों को भगाने का ये कथित इरादा तो नाकाम हुआ, लेकिन 1994 से जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा रहे देवेंद्र सिंह को लेकर अब जब वक्त के पन्ने पलटे जाने लगे हैं तो सवालों की लंबी फेहरिस्त सामने आ रही है। देवेंद्र सिंह के आतंक कनेक्शन का पहला गंभीर शक तब उठा था जब संसद हमले के दोषी अफजल गुरु ने अपने वकील सुशील कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में अफजल गुरु ने लिखा था, देवेंद्र सिंह ने मुझसे मोहम्मद को दिल्ली ले जाकर किराए का घर और एक कार दिलाने को कहा था। अफजल गुरु की इस चिट्ठी को लेकर सनसनी भी फैली थी, क्योंकि अफजल के इस दावे के पहले भी अफजल की पत्नी तबस्सुम आज तक को दिए इंटरव्यू में दावा कर चुकी थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने रिश्वत खाकर 1990 के दशक में अफजल को रिहा किया था, और ये तब की बात है जब देवेंद्र सिंह एसओजी में प्रभावी भूमिका में था। देवेंद्र को नहीं, जिस टाइम अफजल साहब को पकड़ा था ना 2000 में, उस टाइम विनय गुप्ता था एक, हाँ। तो उससे बात हुई थी सोपोर में, उसने उस कैंप में अफजल को लाया था पहली बार मुलाकात के लिए। उन्होंने फोन किया कि पैसे दे दो, वो दे दो, ये दे दो, पैसे जमा किया मैंने। मेरा जो मम्मी ने सोना मतलब दिया था किया 1 लाख जमा, तो दे दिया उसको। जो ये अफजल गुरु की लेटर जो थी, जो उसके लॉयर ने बताया कि देवेंद्र का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, एक मोहम्मद नाम के टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट को दिल्ली तक
उसको पहुंचाने में, उसकी अकोमोडेशन वहां पे अरेंज करवाने के लिए गुरु को कहा गया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम उतनी संजीदगी से इस इनपुट को नहीं दिखा गया है। पॉसिबली ये बात होगी कि एक कन्विक्ट की तरफ से आया था, वो जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे लगता है उस वजह से उस टाइम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में एक जरूरी बात यह है कि कोई भी इनपुट आए आप इसको जिमनी तौर पर रद्द नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा डीप जाना जरूरी होता है। देवेंद्र सिंह अफजल गुरु के इतने विस्फोटक दावों के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर नहीं आया। वो लगातार तरक्की करता रहा, सब इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद तक, कोसोवो में यूएन के पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा बनने तक, और 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर सरकार का वीरता अवार्ड पाने तक। जबकि आतंक कनेक्शन पर इस संदेह के अलावा देवेंद्र सिंह के सर्विस रिकॉर्ड में ड्रग तस्कर से बरामद चरस बेचने का आरोप चस्पा हो चुका है। उस पर उगाही करने के गंभीर आरोप लगे हैं। लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त करने का विवाद हुआ है। इन वजहों से देवेंद्र सिंह की तरक्की में कोई स्पीड ब्रेकर आया तो वो ये था कि उसे पुलिस कंट्रोल रूम से अटैच्ड किया गया, तो 2014 में ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन कुछ दिनों की सजा वाली पोस्टिंग के बाद देवेंद्र सिंह फिर से संवेदनशील पद पर आ बैठा था। गिरफ्तारी से पहले श्रीनगर एयरपोर्ट की एंटी हाई जैकिंग यूनिट में डीएसपी जैसा ओहदा हासिल था, और पिछले हफ्ते विदेशी राजनयिकों की कश्मीर यात्रा के दौरान देवेंद्र सिंह उन राजनयिकों की सुरक्षा में तैनात दिखा था। कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अपने ढाई दशक के सर्विस में देवेंद्र सिंह बेहद अहम और संवेदनशील पदों पर रहा है, इसीलिए अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो कांग्रेस पूछ रही है कि क्या उसके ऊपर कोई ऊपर वाला था। लेकिन ये सवाल पूछने में कांग्रेस नेताओं की ओर से देवेंद्र सिंह के धर्म और पुलवामा हमले का जिक्र करने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में संवेदनशील पदों पर रहे देवेंद्र सिंह के आतंक कनेक्शन का मामला जितना परेशान करने वाला है, उससे ज्यादा हैरान कर रही है उसकी गिरफ्तारी पर शुरू हुई राजनीति। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्विटर पर लिख दिया कि अगर देवेंद्र सिंह देवेंद्र खान होते तो आरएसएस की ट्रोल टुकड़ी की प्रतिक्रियाएं तेज और तीखी होती। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट के अगले हिस्से में यह भी लिखा कि अब ये सवाल भी पूछा जाएगा कि भीषण पुलवामा घटना के पीछे असल गुनहगार कौन थे। नए सिरे से इस पर विचार करना होगा। सी यस, आई हैड रेफर्ड दैट हैड देवेंद्र सिंह बाय डिफॉल्ट बीन नेम्ड देवेंद्र खान, सर्टेनली द ट्रॉल रेजिमेंट लेड बाय आरएसएस वुड हैव बीन मोर स्ट्राइडेंट एंड वसीफरस। द रीजन इज दैट the RSS and the BJP, they have been striving hard to disrupt the communal harmony of our nation. कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में देवेंद्र सिंह के जाति धर्म वाली बात को तो नजरअंदाज किया, लेकिन संसद हमले से लेकर पुलवामा हमले तक देवेंद्र सिंह के कनेक्शन का सवाल जरूर उठा दिया। सवाल यह है कि देवेंद्र सिंह डीएसपी है कौन? देवेंद्र सिंह डीएसपी का 2001 के संसद के हमले, देवेंद्र सिंह डीएसपी जो उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में थे, पुलवामा के हमले जहां 42 जवानों की जान गई, उनसे क्या कनेक्शन है? क्या देवेंद्र सिंह के बारे में आज कहा जा रहा है सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि वो 12 लाख की एवज में दो उग्रवादियों और एक उनके सहायक को दिल्ली ला रहा था, शायद 26 जनवरी के दिन हमला करने के लिए? ये षड्यंत्र है क्या? क्या ये देवेंद्र सिंह अकेले ही काम कर रहा था, या वो एक छोटा सा मोहरा है और ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है? देवेंद्र सिंह पर कांग्रेस के इस बोल पर तमतमाई बीजेपी,
पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच संबंध ढूंढने में देर नहीं लगाई। पूरे इस प्रकरण के पश्चात कांग्रेस ने वही किया है जिसमें कांग्रेस सक्षम है, जिसमें कांग्रेस निपुण है, जिसमें कांग्रेस पारंगत है, और वह है भारत के ऊपर हमला और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस ने तुरंत आओ देखा ना ताओ अधीररंजन चौधरी ने मिनटों के अंदर धर्म ढूंढ लिया। आतंकवाद के ऊपर धर्म की राजनीति करना यह सदैव से कांग्रेस का तरीका रहा है। कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह कहकर जवाब मांग रही है कि अमित शाह बताएं कि देवेंद्र सिंह कहीं सुरक्षा तंत्र में बैठे किसी ताकतवर शख्स का मोहरा तो नहीं। पलटवार में बीजेपी के नेता देवेंद्र सिंह के खिलाफ शुरू हुई जांच का नतीजा सामने आने तक चुप्पी बरतने की नसीहत देने लगे हैं। देवेंद्र सिंह पुलवामा जिले के रहने वाले हैं, अगर वहां पे पोस्टेड थे तो उनकी जांच पड़ताल चल रही है, जो भी चीज निकलेगी वो सामने आएगी। और कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि जी उसका नाम क्योंकि देवेंद्र सिंह है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेगी। वो पुलिस का आदमी है, पुलिस पक्का एक्शन लेगी, पुलिस बकायदा देखेगी, क्योंकि पुलिस के भी जवान कहीं ना कहीं हताहत हुए होंगे इनके किसी एक्शन के कारण। देवेंद्र सिंह को लेकर शुरू हुई राजनीति के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मीडिया में रिपोर्ट हुई इस बात का खंडन करना पड़ा है कि उसे 2019 में राष्ट्रपति का वीरता मेडल मिला था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक देवेंद्र सिंह नाम के ही दूसरे अफसर को अवार्ड मिला है। गिरफ्तार हुए देवेंद्र सिंह को 2018 के स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर का पुरस्कार मिला था। कोलकाता से मनोज लोहियाल और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। देवेंद्र सिंह के रोल को लेकर पहले ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो जाती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सवाल ये उठा है कि अगर आरोप सही हैं तो देवेंद्र सिंह कैसे आतंकवादियों का मददगार होने के बावजूद लगातार बचता रहा। देवेंद्र की वजह से सुरक्षा तंत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका ने सबको परेशान कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के ओहदे पर रहे देवेंद्र सिंह के आतंक कनेक्शन की जांच के लिए एनआईए को हरी झंडी दे दी गई है। 11 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और रॉ डीएसपी से जानकारियां जुटाने में लगी है, क्योंकि देवेंद्र सिंह अपने 2.5 दशक के करियर में बेहद संवेदनशील पदों पर रहा है। उस पर लगे सनसनीखेज आरोपों के बाद देवेंद्र सिंह की श्रीनगर में 2 साल से बन रही यह हवेली भी अब सुरक्षा तंत्र की नजर में आ गई है। पुलिस हिरासत में जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र सिंह इसी घर में पिछले कई सालों से रहते थे, क्योंकि उनका घर जो है वो अभी इसी इलाके में बन ही रहा है, इसलिए वो यहाँ अपने एक रिश्तेदार के घर में कई सालों से रहते थे। और यहाँ तक कि जो हथियार शुक्रवार को उनके घर से बरामद किए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वो भी इसी घर में छुपे हुए थे। और जब छापा यहाँ पर पुलिस का पड़ा उसके बाद वो हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं, तो ये जो घर के मालिक हैं, जो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, वो भी ये घर छोड़ के चले गए। आप देख सकते हैं इस पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है। जब हमने पड़ोसियों से जानने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि जिस दिन यहाँ पर पुलिस का छापेमारी शुरू हुई उसी दिन से यहाँ जितने भी लोग रहते थे वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये घर जिस इलाके में है वो श्रीनगर में सेना मुख्यालय के पास में पड़ता है। देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद से उसका परिवार श्रीनगर से लापता है। वो श्रीनगर में अपने जिस रिश्तेदार के घर पर रहता था वहाँ भी ताला है। यहाँ ये बताते चले कि देवेंद्र के रिश्तेदार के इस घर समेत उसके ठिकानों पर पड़े छापों में 5 हैंड ग्रेनेड और 3 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं। 57 साल का देवेंद्र पुलवामा के त्राल का रहने वाला है और उसकी पत्नी शिक्षक है। 2 बेटियां बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और बेटा श्रीनगर के एक नामी स्कूल में पढ़ता है। देवेंद्र सिंह को कभी आतंक विरोधी अभियानों में सराहा गया था, लेकिन अब वो कटघरे में है और ये बात कश्मीर से दिल्ली तक हड़कंप मचा रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।